हे गाइस, आज हम बात करेंगे लुनाला और हाइड्रैगन के बारे में। लेकिन उससे पहले मेरे को अपना जो मडकीप है इसको इवॉल्व करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो, इसको इवॉल्व करने के लिए मेरे पास एनफ वाटर स्टोन्स हो चुके हैं। तो आप लोगों ने कभी इसको हमारे वर्जन में नहीं देखा होगा, मडकीप और स्वम्पर्ट को, स्वम्पर्ट नहीं मार्सटॉम को। हाँ, डायरेक्ट आप लोगों ने फाइनल इवोल्यूशन देखा होगा स्वम्पर्ट। जो नॉर्मल स्वम्पर्ट है वो भी बहुत रेयर है हमारे वर्जन में, लेकिन यहाँ पे है नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हो, 3 वाटर स्टोन और 3 ग्राउंड स्टोन मेरे को लगेंगे स्वम्पर्ट बनाने के लिए इसको। तो वो सब तो मैं बाद में कर लूँगा, एलिट फोर से मैं स्टोन्स निकाल लूँगा। तो चलो हाइड्रैगन और लुनाला के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, मैं क्यों बना रहा हूँ यहाँ पे चाइनीज़ वर्जन में आके, ताकि आप लोगों को एक अंदाज़ा लग जाए कि हमारे वर्जन में क्या क्या आने वाला है और कितने कॉइन्स में ये सब पोकेमॉन मिलेगा। और बाद में आप लोग कंपेयर कर पाओगे दोनों को, यहाँ पे कितने कॉइन्स में मेरे को हाइड्रैगन मिला था और वहाँ पे हमारे वर्जन में कितने कॉइन्स में मिलेगा। तो वो सब आप लोग देख सकते हो, कंपेयर कर सकते हो बाद में, इसलिए मैं ये सब वीडियो बनाता हूँ। तो ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अभी के लिए चलते हैं यहाँ पे इवेंट सेक्शन में। और देख सकते हो यहाँ पे नेट जो है बहुत स्लो है ये वर्जन में, मेरे को 1 घंटा वेट करना पड़ता, मतलब कि गेम में घुसने में और खेलने में कम से कम 1 घंटा मेरे को लग जाता है इसमें, क्योंकि नेट जो है बहुत ज़्यादा ही स्लो है। तो यहाँ पे देख सकते हो एक फ्रैगमेंट्स का ये शॉप है, यहाँ पे कुछ फ्रैगमेंट्स मिलता है यहाँ पे, जिसके थ्रू हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं पोकेमॉन। लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस किया होगा, यहाँ पे सिर्फ 80 फ्रैगमेंट्स लग रहे हैं जो नॉर्मल हाइड्रैगन है उसको लेने के लिए। बाकी यहाँ पे लुनाला भी मिल रहा और ये 200 कॉइन्स में मिल रहा और बहुत कम है इसके लिए, वो बाद में मैं दिखाऊँगा क्यों। अभी के लिए यहाँ पे देख सकते हो ये जो फ्रैगमेंट्स है, आप लोग इसको खरीद सकते हो मैजिकअप कॉइन्स के थ्रू भी, आई मीन एक्सचेंज कर सकते हो उसके साथ। तो आप लोग को 3 मैजिकअप कॉइन्स लगेंगे और 2 फ्रैगमेंट्स आप लोग ले सकते हो उसके बदले। तो ठीक है, ये भी अच्छा ही है। और बाकी अभी पोकेमॉन के ऊपर चलते हैं, पोकेमॉन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो ये रहा हाइड्रैगन। अबे नेट को क्या हो गया। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 2 हाइड्रैगन मैंने रखा है, एक नॉर्मल वाला, एक शाइनी वाला, और लुनाला भी 2 ही है मेरे पास, नॉर्मल वाला और शाइनी वाला। तो सबसे पहले जो हमको 80 कॉइन्स में मिल रहे थे उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो ये जो 80 कॉइन्स में मिल रहे थे, और ये मेगा फॉर्म है, कोई बेस फॉर्म नहीं, डायरेक्टली मैं मेगा फॉर्म ही दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो उससे पहले मैं ट्रांसलेटर ऐप जो ऑन कर लेता हूँ, फिर चलते हैं इस पर, इसका नाम देख लेते हैं कैसा नाम है। तो मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बोला था कि फ्लैश का लाइनअप आएगा, तो फ्लैश ऐसा कोई लाइनअप है नहीं, फ्लैश का मतलब शाइनी है। जब उधर से ट्रांसलेट हुआ चाइनीज से इंग्लिश में, तो जो शाइनी है उसको फ्लैश में ट्रांसलेट किया ये ट्रांसलेटर टूल ने। तो ऐसा कोई फ्लैश का लाइनअप है नहीं, कोई दूसरा ब्लैक या फिर ग्रे लाइनअप है। तो ठीक है, बाद में देख लेंगे, पहले यहाँ पे ट्रांसलेट करके देखते हैं कैसा है इसका। और देख सकते हो ये ट्रांसलेटर टूल जो है काम नहीं कर रहा अभी, तो ठीक है इस बार काम कर गया, तो ट्रांसलेट हो रहा है, देख लेते हैं क्या नाम है इसका। ओके, ट्रांसलेटिंग जल्दी करो भाई, इतना टाइम कौन लगाता है। ओके, यहाँ पे ट्रांसलेट होना चालू हो गया। ओके, यहाँ पे देख सकते हो सिल्वर ग्रे हाइड्रैगन, 3 ड्रैगन्स जो है वो हाइड्रैगन से ट्रांसलेट हुआ है, आई मीन हाइड्रैगन जो चाइनीज़ वर्जन का नाम है उसे ट्रांसलेट हुआ है। बाकी इसका नाम लेके चल सकते हैं मेगा सिल्वर ग्रे हाइड्रैगन। तो ठीक है, इसको साइड में रख के मैं आप लोगों को स्टैट्स दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो इसका टोटल स्टैट्स जो है 710 है। बाकी इसका स्पेशल अटैक 154 है, स्पीड 123 है, बहुत अच्छा है 80 कॉइन्स के हिसाब से। तो जो हम लोग को हमारे वर्जन में 120 कॉइन्स में पोकेमॉन मिलते हैं उससे तो काफ़ी ज़्यादा ये वाला ही अच्छा है। और ये रहा इसका R2 फॉर्म, कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बस जो मेगा फॉर्म है उससे थोड़ा बहुत बड़ा कर दिया इस पोकेमॉन को और हो गया R2 फॉर्म, कुछ ज़्यादा वर्क नहीं किया इन लोगों ने। तो यहाँ पे देख सकते हो इसका लुक जो है काफ़ी अच्छा है फिर भी। और बाकी इसका जो साइड में लिखा हुआ है कितना लगेगा वो सब तो हम लोग पढ़ ही नहीं सकते, तो जाने दो। बाकी ये रहा शाइनी फॉर्म, 800 है इसका टोटल SS, और ये देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा मेरे को जो भी हो। और ये रहा इसका R2 फॉर्म, जो कलरिंग है वो थोड़ा बहुत चेंज कर दिया गया है क्योंकि ये शाइनी फॉर्म है इसलिए। और इसका यहाँ पे देख सकते हो स्पेशल अटैक जो है 179 पहुँच चुका है, और स्पीड देख सकते हो भाई 145, तो बहुत सही है भाई। और बाकी अटैक भी 144 हो गया है, तो ठीक है, बहुत अच्छा पोकेमॉन है ये। ओके, ये सब तो हो गया हाइड्रैगन के बारे में। तो अभी बात करते हैं हमारा ब्लैक लुनाला। तो यहाँ पे देख सकते हो इसका एबिलिटीज़ तो मैं देख नहीं पाऊँगा। और बाकी ये रहा R2 फॉर्म, अबे भाई इसके सिर के ऊपर क्या घूम रहा है ये, अच्छा लग रहा लेकिन भाई थोड़ा सा वियर्ड सा फील हो रहा मेरे को। और बाकी इसका SS यहाँ पे देख सकते हो टोटल है 810, और इसका स्पीड, स्पेशल डिफेंस और जो अटैक है इसका थोड़ा बहुत ज़्यादा है, और स्पेशल अटैक सबसे ज़्यादा है इसका क्योंकि ये जो है एक स्पेशल अटैकर पोकेमॉन है। बाकी इसका देख सकते हो, मैं नाम ढूंढने का ट्राई करा लेकिन हो नहीं हो रहा। ओके, हो गया इस बार। तो यहाँ पे देख सकते हो इसका नाम जो है मेगा डर्क लुनाला। ओके,
सो इसको लेके चल सकते हैं डार्क, या फिर कुछ ब्लैक नाम होगा इसका तो ठीक है। और बाकी तो इसका कुछ दिखाने लायक है नहीं, क्योंकि मैं कुछ पढ़ ही नहीं पाऊंगा चाइनीज़ में है सब, और अगर इसको ट्रांसलेट करता फिरूंगा तो लग जाएंगे मेरे। और बाकी यहाँ पे देख सकते हो इसका एसएस जो शाइनी वाला है, शाइनी मेगा डार्क लुनाला, इसका एसएस यहाँ पे देख सकते हो टोटल 915 है, और जो इसका स्पेशल अटैक है 173, स्पीड 137, और इसका जो स्पेशल डिफेंस है वो भी काफ़ी हाई है। तो काफ़ी मेरे को पसंद आया ये वाला पोकेमोन। बाकी आप लोगों को क्या लगा मेरे को बताना, क्या आप लोग ये लोगे अगर हमारे वर्जन में आते तो आप लोग बताना मेरे को। तो आज के लिए रखते हैं, बाय।